तो आइए देखते हैं आकांक्षा उर्फ चिंकी, जिसका संघर्ष हमारे और आपके जितना ही है, लेकिन एक सही मार्गदर्शन की मदद से और संघर्ष का सामना करते हुए क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में कामयाब हो पाती है। यही मार्गदर्शन देने के लिए हमारा ग्रुप क्रिएटिव क्लब आपके सामने आया है। उसी की प्रस्तुति हम पेश करने जा रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। पिताजी आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और माँ परेशान होकर टहल रही है। कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक घर नहीं आई है। पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और ये सुनते हो मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आपके लाड प्यारी उसे सर पे चढ़ा के रखा है। आ रही हूँ आज से, फिर बताती हूँ। हाँ पिताजी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्या बताना है? शाम के 5 बज गए हैं और तुम इतना लेट घर क्यों आई हो? बताने दो उसे। आज हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, वहाँ दिल्ली से एक मेंटर आए थे। उन्होंने हमें लड़कियों के लिए कैरियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया। इस प्रोग्राम में हमारा एक स्कॉलरशिप का एग्जाम होगा और उस एग्जाम के आधार पर हमारी प्रतिभा के अनुसार हमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यह प्रोग्राम केवल आईएएस की परीक्षा की तैयारी नहीं कराता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारा पूरी स्कॉलरशिप परेशान करके रखेंगे। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम? सोने नहीं देते माँ उसे, क्यों चिंकी?
इतनी ही देर में चिंकी के पापा आते हैं। पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। ठीक है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है पिताजी। बेटा ये लो एडमिशन कैसे? अपने माँ और भाई को बताने की मुझे जरूरत है। धन्यवाद पिताजी। बस एक छोटा सा सहारा भी हमारे लिए काफी होता है, हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए। हम लड़कियों को अक्सर सबका प्यार नहीं मिल पाता, पर थोड़ा सा भी प्यार होता है तो बहुत खुशी हो जाती है। अगले दिन एडमिशन करने के बाद चिंकी मैम की क्लास करती है और बहुत ही खुश हो जाती है। अगर किसी तरह सही दिशा निर्देश के अनुसार वो तैयारी करे तो एक दिन चिंकी IAS जरूर बन जाए। उस दिन पड़ोस वाली आंटी एक खुशखबरी लेके चिंकी के घर आती है। Thank you.
देते हैं, लेकिन चिंकी एक भी जवाब नहीं दे पाती। मैम उसे समझाती है और पढ़ के आने को कहती है। चिंकी घर आती है, उसकी मैम की बातें उसके जहन से चल रही होती है, पर वो निश्चय करती है कि वो खूब मेहनत करेगी और आईएएस बनकर दिखाएगी। अब चिंकी और बोलू अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं। देखिए ईमानदारी और जुनून इसे ही कहते हैं। एक और बोलू जो थोड़ी देर में पढ़कर थक गया और दूसरी ओर चिंकी जो अभी भी मन लगाकर पढ़ रही है, क्योंकि उसका लक्ष्य है सिर्फ पढ़ना और अपनी मंजिल को हासिल करना। देखते ही देखते एक साल निकल जाता है और परीक्षा का दिन आता है। दोनों बोलू और चिंकी परीक्षा देने को तैयार है। वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने आते हैं। अरे गुरु के पापा जरा सुनते हुए घटो आओ, बच्चों का आशीर्वाद तो उनका पेपर है आज। चिंकी जरा तुम आरती की पानी और सभी और शक्कर तो लेके आओ अपने भाई के लिए। अभी लाती हूँ और भाई के लिए से चलाना जरा आराम से चलाऊंगा। मम्मी टेंशन तो ले अरे माँ पूरा फैशन खराब कर पढ़ाई क्यों, जिसे मैंने
पहचाने, अपनी प्रतिभा को पहचाने और सही दिशा निर्देश के हिसाब से यही हमारे साथ